सो हेलो गाइज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ नोआ व्लॉग्स। और आज बहुत दिन बाद मैं व्लॉग बनाने निकल रहा हूँ और शायद से 7 या 8 दिन हो गए मैंने एक भी वीडियो अपलोड भी नहीं करी, क्योंकि एक्चुअल में मैं था गांव में, इसीलिए मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी और ना बनाई। तो अभी 8 दिन बाद कैमरा ले रहा हूँ सर पे, मतलब कैमरा ले रहा हूँ हाथ में, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है पर ठीक है, कोई नहीं। और आज अपने साथ है निक, और निक की गाड़ी भी उसने बहुत ज़्यादा ही मॉडिफाई करा दी है, नहीं बोल के 30,000 का खर्चा कराया है भाई लड़के ने, तो गाड़ी तो एकदम मस्त बनेगी। और बात करें आज के ब्लॉग की, तो हमने सुना है और देखा भी है थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोस कि न्यू ड्यूक 200 आई है, मतलब नए नए कलर में ड्यूक 200 आई है, तो मैं बोला चलो देख के आया जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोरेगांव वाले शोरूम में नया वाला कलर देखने के लिए। और जो 125 वाला ड्यूक है, ड्यूक 125 है, उसको तो पूरा ड्यूक 200 वाला कलर स्कीम दे दिया है वाइट कलर में, तो देखते हैं वीडियोस में देखने में और हकीकत में देखने में फ़र्क होता है। तो आज आपको भी दिखाएंगे कि कौन से नए नए कलर आए हैं ड्यूक में, और सबके लिए 125 से लेकर ड्यूक 390 तक हर किसी का कलर बदल गया है अभी। वो कहते हैं ना लोग रंग बदलते हैं, हमारी गाड़ियों ने भी रंग बदल लिया अभी, और गाड़ी पूरी रंग बिरंगी हो गई है। तो लेट्स सी ड्यूक 200 में तो मेरे को जो मेटेलिक सिल्वर है वो कलर ज़्यादा अच्छा लगा, और ड्यूक 390 के मैंने इतने कलर्स देखे नहीं। तो लेट्स सी आज देखते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। शोरूम में हम लोग ने कॉल कर रखा था, मतलब कर लिया था कि शोरूम में वो गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं है हमारे इधर गोरेगांव में, तो उधर से कॉल तो हमने बात की, तो पता चला आज ही गाड़ी आई है। हमारी नसीब अच्छी है कि आज ही हम लोग रिव्यू के लिए निकले थे और आज ही वो गाड़ी आई। लड़का फुल पावर में आज तो और हमारे ग्रुप वाले मेंबर सब ऐसे ही है भाई रुकती नहीं है गाड़ी, बस भगाते रहो और कल है संडे, तो आज पूरा प्रिपरेशन कर लेंगे हम लोग कि क्या क्या गाड़ी में प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक कर लेंगे, और गाड़ी में जो जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व कर लेंगे और कल निकल जाएंगे राइड के लिए, क्योंकि कल है संडे, संडे इज इक्वल टू फंडे। तो बहुत दिन से हम लोग ने इकट्ठा राइड भी नहीं किया संडे राइड, तो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। निक की गाड़ी पे भी किस दिन व्लॉग बनाएंगे, एकदम डिटेल वाली व्लॉग बनाएंगे कि उसकी गाड़ी में उसने क्या क्या खर्चे करा रखे हैं। अभी आपको बार बार से बता दूं तो देखो आप जैसे कि देख पा रहे हो सीट काउल, नीचे के टायर में डिस्क है दोनों टायर में, आगे विंग्स है, और कलर स्कीम तो भाई पूछो ही मत, नार्डो ग्रे प्लस नियॉन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मस्त। तो कभी फुर्सत में डिटेल रिव्यू बताएंगे इसकी गाड़ी में कि कितना खर्चा आया था इसको अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराने में। वाह 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 बेटे वाह। हम लोग पता है क्यों नहीं रुकते और क्यों स्ट्रीट रेस ही करते हैं जब भी हम लोग चलाते हैं, क्योंकि मुंबई में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है ना भाई, तो मुंबई हमको सिखा देती है कि भाई तुम प्यार से चलोगे तो भाई कोई ना कोई तुमको ठोकेगा, चिपकाएगा, या फिर तुम ट्रैफिक में फंस जाओगे। तो हमको ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत स्ट्रीट रेस करना पड़ता है, मतलब वही गैप्स वैप्स डालने पड़ते हैं, कट कुट मारना पड़ता है, वो नहीं मारेंगे तो हमको जिधर पहुँचना है उधर हम टाइम पर पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये आ गया जी KTM का शोरूम,
और KTM के बाजू में ही बजाज का भी शोरूम है। अपनी वाली ड्यूक का कलर भी है अभी तक, और जो नया कलर है वो देखना है भाई कैसा लगता है। अपनी वाली जो ड्यूक का कलर है वो तो आगे ही रखे फ्रंट में, ये देखो दोनों भी। और ये शायद से लास्ट पीस रहेंगे। तो देखो गाइस, ये है न्यू कलर ड्यूक 200 BS6 का। जो अपना वाला था वो फुल्ली ऑरेंज था, पीछे अपने यहाँ पे ब्लैक था और यहाँ पे ऑरेंज है। और ये वाला कॉम्बिनेशन देखो एक बार, यहाँ पे पूरा ऑरेंज है और ये साइड पे ब्लू। ये ब्लैक लगता है पर जब लाइट पड़ती है इस पर तब दिखता है कि हाँ भाई ये ब्लू वाला है। और बाकी क्या, बाकी तो फीचर सारे सेम ही है इसमें, कोई फ़र्क नहीं है, खाली कलर अलग अलग दे दिया है बस। तो अभी फ़िलहाल ये एक कलर ही बचा है, मतलब एक ही कलर आया है। दूसरा जो और एक कलर है इसका वो भी बहुत अच्छा है, पर मेरे को जो अच्छा लग रहा था, अच्छा हुआ यही कलर यहाँ पर अवेलेबल था, एंड टाइम पर मिल गया अपने को। और एक 390 भी है जो है, देखो ये 390 है जो नए वाले कलर में आई है, पूरी ब्लैक है देखो, खाली ये स्टिकर हाईलाइट में है और कुछ हाईलाइट में नहीं है। सो ये वाला नया कलर आया है और दोनों मॉडल का एक एक कलर आया है। ड्यूक 125 तो आई नहीं है, तो यही सारे मॉडल है, बाकी तो वही सब पुरानी वाली है। देखो यहाँ पे अपनी जो पुरानी स्टॉक कलर था ऑरेंज वाला, वो दोनों भी गाड़ियाँ बाहर ही है। तो आने वाले दिनों में ये वाला कलर नहीं देखने मिलेगा, जो न्यू वाला ये वाला कलर है वही सब देखने मिलेगा। तो चलो भाई, ब्लॉग बना के तो निकल गए। तो गोरेगांव वेस्ट शोरूम में आए थे हम लोग KTM के, तो बहुत ही अच्छा स्टाफ था, सारी वीडियो बनाने एकदम अच्छे से मिल गए। बस हम लोग थोड़ा नर्वस हो गए थे बोलते बोलते, ऐसा रिव्यू वाला वीडियो कभी जल्दी बनाया नहीं है, ज़्यादा तो बनाया है नहीं। मेरे चैनल पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ही ब्लॉग देखे रहेंगे आपने रिव्यू वाले। तो मज़ा आया, पर शर्मा के पर बोल लिए, पर ब्लॉग भी बन गया। चलो दैट्स इट फॉर द ब्लॉग। और ये वाली ड्यूक, हर ड्यूक में मतलब एक एक नया नया कलर आया। ड्यूक 390 में भी एक नया कलर, ड्यूक 200 का कलर मैंने दिखा दिया आपको, और ड्यूक 125 का भी नया कलर आया, और हस्कवर्ना और स्वेट पिलियन का भी एक एक कलर नया आया है। तो जितनी भी गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल थी सब गाड़ी दिखा दी, और ये तो अपनी है ही लिमिटेड एडिशन। तो बस दैट्स इट फॉर द ब्लॉग, आज का ब्लॉग इतना ही रखता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बस मिलते हैं ऐसे ही आने वाले एक मस्त ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड राइड सेफ।